हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं शत्रुघ्न शर्मा आज आप लोगों के लिए एक नए वीडियो को लेकर आया हूँ, एसएससी जीडी 2022 #02। इसमें मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन को मैं कराऊंगा जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ पाए, इसके लिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एसएससी के लिए ही क्वेश्चन एप्लीकेबल है, आप लोग के लिए हर चीज़ के एग्ज़ाम, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन पर कि कैसे ये क्वेश्चन को करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं बोर्ड पर। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि तीसरी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। आप लोग पता है कि त्रिभुज का 3 भुजा होता है, जिसमें से आपका 2 भुजा दिया गया है। और आप लोग उससे पूछा तीसरी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर अगर हो तो ए का कौन सा मान ये ऑप्शन से सही होगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा कि ये जो 2 भुजा है उसका आप हमेशा अंतर निकालिए। 10 है वहाँ पर, लिख लिए 10 और ये 4, इसका अंतर कितना हो गया 6। उसके बाद क्या कीजिएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा। ये हो गया 10 प्लस 4, यानी हो गया 14। तो इसकी जो आंसर होती है अंतर से बड़ा, मतलब क्या होगा, 6 से आपका बड़ा होगा। ए का मान क्या होगा, 6 से बड़ा और 14 से छोटा, यानी कि आप लोगों का मान हो गया ए से बड़ा और 14 से छोटा। चलिए हम लोग को ऑप्शन देखते हैं कि ये नहीं है, ए बड़ा है, 5 छोटा है, ये 6 से बड़ा और बराबर है, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ तो सबसे पहले 12 है, 12 होगा नहीं, यहाँ पर आपको देखिए 14 है। तो 14 किस में है, 23 में। 6 से बड़ा ए है और 14 से छोटा, यानी कि आपकी आंसर क्या होगी, डी आंसर। चलिए हम लोग आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि √x(√15) = √x(√10) हो तो x का मान क्या होगा। इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, आप हमेशा इस प्रश्न को गुणा कर दीजिए। 15 × 6 कीजिएगा, √6 × √15 = आपको दिया है x√10। आप इसे गुणा कीजिए, √15 × 15 = 90 कर दिए। इसे काट दीजिए, 10 × 90, ये रूट में हो गया 9, तो आपका एक्स बराबर कितना हो गया, 3। तो एक्स की मान कितना हो गई, 3। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 नंबर में, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। इस तरह का प्रश्न को तुरंत कर लीजिए। चलिए कैसे करते हैं, 80 से 20% अधिक है, यानी कि अगर 20% कीजिएगा तो 20% मतलब कितना हो गया, 1/5। आपको बोला अधिक है, कितना अधिक है, 20%, तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, यानी कि हो गया कितना, 6। आप 80 का 6/5 कर दीजिए, 16 बार में कट गया, या 16 × 6 = 96। ठीक है, तो आपके आंसर क्या हो गया, डी। आप एक और इस तरीके से कर सकते थे इसको। चलिए हम लोग कैसे करेंगे इसको भी देख लीजिए। आपको बोला 20% अधिक है तो 80 का 120 निकाल दीजिए। सिंपल सी बात है, परसेंट का मतलब 100 × 12 = 96, तो देखिए 96 ही आ गया। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन, आपको दिया है कि x^(b+c)(b-c), मतलब इसका पावर ये है, x(c+a)^(c-a), x^(a+b)(a-b). इस तरह का हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट जब खोलिएगा तो आपको देखिए कि b प्लस सी है और b माइनस सी है, और यहाँ पर c प्लस है या माइनस है, प्लस है माइनस है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आपकी क्या फार्मूला हो जाती है, a² - b² की ये फार्मूला हो जाती है। तो हम लोग इसे इससे मल्टीप्लाई करके फार्मूला लिख देंगे, सिंपल सी बात। तो b इंटू कीजिएगा तो b² - c² इंटू, इसका मतलब इंटू, तो एक्स c² - a² × x a² - b² ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, बेस क्या है मेरा, एक्स है, एक्स ले लीजिए। अब इसे इंटू में सबको जोड़ दीजिए, b² - c² + c² - a² + a² - b² इसे देखिए काटिएगा, देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, ये माइनस में ये प्लस में, ये माइनस में ये प्लस में, यानी कि आपकी होगी x की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब होता है
इसे बोलते हैं कोफिशियंट। तो एक्स का पावर जब भी कोई भी संख्या के ऊपर जीरो रहे तो उसकी मान कितनी हो जाती है, एक हो जाती है। तो यानी कि आंसर क्या होगी आपका, एक आंसर। चलिए चलिए पांच नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। रूट 24 बराबर 4.899 दिया है, हो तो अंडर रूट 8/3 क्या होगा। तो इस तरह का प्रश्न को हम लोग सीधा जो निकालना है उसे लिख लेंगे। आपको क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 8/3। आप देखिए इसको रेशनलाइजेशन कीजिएगा आप हमेशा। तो ये क्या करेंगे हम लोग, रूट 8 ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको बोलते हैं कर्णीकरण। तो 8 ये कितना हो गया, ये हो गया 24, और रूट थ्री। अब देखिए रूट 24 का मान कितना दिया हुआ, रूट 24 का मान दिया हुआ है 4.899 डिवाइड बाय क्या है, 3 है। इसे काट दीजिए, 3 × 3 एक गया, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। तो आपके आंसर क्या आ गए, 1.3633, यानी कि सी नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हम लोग देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक मिट्टी के तेल के ड्रम में 2 नल लगाया गया। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मिट्टी के तेल का ड्रम है, ये मान लिया आपका ड्रम है, इसमें 2 नल लगाया हुआ है, ये 2 नल लगाया गया है। ड्रम के पहले नल द्वारा 25 मिनट, इसे 25 मिनट, और दूसरे नल से 35 मिनट में संपूर्ण तेल निकाला जाता है, और दूसरा नल से 35 मिनट में संपूर्ण तेल निकाला जा सकता है। पहले नल से 5 मिनट तक तेल निकालने के बाद, पहला नल को 5 मिनट तक तेल निकाला गया, दूसरा नल भी खोल दिया गया, अतः कितनी देर में ड्रम का सभी तेल निकल जाएगा। आपका क्वेश्चन में है जो कि पहला नल 25 मिनट, उसके बाद 5 मिनट के बाद दूसरा नल पूरे पूरे टंकी को कैसे खाली कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन पर कि कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, मान लीजिए 2 नल है, एक ए है, इसे आपको कितना लगा 25 मिनट, और एक क्या है बी है, इसे कितना लगा 35 मिनट। जब भी इस तरह का रहेगा तो सबसे पहले ड्रम की कैपेसिटी निकालने के लिए इन दोनों का लसप्पा निकाल लीजिएगा। तो देखिए ये दोनों का लसप्पा निकालिएगा तो कितना हो गया 175, यानी कि ये आपकी ड्रम की कैपेसिटी हो गई, यानी कि क्षमता, कि ड्रम का कितना क्वांटिटी उसमें भरा जा सकता है दोनों को। तो देखिए ड्रम का देखिए अब इसमें से भागिएगा तो कितना दीजिएगा, भाग दीजिएगा तो 25 × 150, 25 × 7 = 175, इसे कीजिएगा तो 35 × 5 = 175। आपको क्वेश्चन में दिया है कि पहले नल से 5 मिनट तक तेल निकालने के बाद, यानी कि ए द्वारा 5 मिनट काम हुआ है, तो आप लिखिएगा कि ए द्वारा 5 मिनट में तेल निकाला गया। तो देखिए ए का कितना आ गया एफिशिएंसी से बोलते थे, ए का है 7, तो 7 × 5 कर दीजिए, यानी कि 35 लीटर आपका निकल गया। कैपेसिटी से घटा दीजिए, 175 − 35, 5 × 0 = 17 × 3 = 14, अभी भी 140 है। उसके बाद दूसरा नल भी खोल दिया गया है, अतः कितनी देर में ड्रम का सभी तेल निकल जाएगा। तो अब दोनों नल काम कर रहा है तो शेष तेल निकलेगा, निकाला गया किसके द्वारा, अब ए और बी द्वारा। तो टोटल कितना है 140 है, तो ए और बी, ए का कितना एफिशिएंसी 7 है और बी का 5 है, तो यानी कि हो गया ये क्या 7 + 5, ठीक है। चलिए 140 / 12 कर दीजिए, 2 × 6 = 12, 70 × 3 और ये हो गया 35, यानी कि 35/3। तो आपको पूछ रहा है कहता कितनी देर में ड्रम का सभी तेल निकल जाएगा, कितना समय में। तो पहले देखिए ए द्वारा कितना मिनट लगा था, 5 मिनट, यहाँ 5 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पर कितना हो गया, आप इसे कीजिएगा तो कितना हो गया 16 × 2 = 32, नहीं 11 × 3 = 33,
ग्यारह तैंतीस और दो पैंतीस। तो देखिए अब टोटल जोड़िए तो 5 और 11 कितना हो गया 16, 16.2/3 मिनट। सभी तेल को निकाला जाएगा कितना समय में, कितना समय लगेगा 16.2/3 मिनट लगेगा। तो आपका ऑप्शन क्या है 16.2/3 मिनट, ए नंबर ऑप्शन है इसलिए, और ए नंबर ऑप्शन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति 5/8 कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। इस दर से पूरे कार्य को समाप्त करने में उसे दिन और लगेंगे, कितने दिन उसे और लगेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे आते हैं बनाते हैं। चलिए आपको दिया हुआ है कि 5/8 कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगा, 5/8 कार्य को करने में 10 दिन लगा। तो टोटल काम करने में, कार्य समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, कार्य समाप्त करने में। तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा 5 जाएगा, 10×8/5 यानी को हो गया 2 बार में 8 × 16 दिन। तो और कितने दिन लगेंगे बाकी काम करने के लिए, 5/8 काम को किया है ये 10 दिन में, तो टोटल काम हुआ होगा 16 दिन में। तो बाकी काम को और कितने दिन में करेंगे, तो शेष कार्य को करने में लगा समय, तो कितना टोटल हो गया आपका 16 दिन लगेगा, जिसमें से 5/8 काम को करने में 10 दिन लगा। तो 16 में से 10 घटा दीजिए यानी कि और कितने दिन लगेंगे, तो और कितने दिन लगेंगे 6 दिन लगेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग तथा उसके साझेदारी को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों भागों का अंतर 3600 रुपये हो तो कुल धन कितना था। तो इस तरह का प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें क्वेश्चन में आपको बोला है देखिए 3/8 भाग, एक जन को 3/8 भाग मिला और उसके पार्टनर को शेष धन का 3/8 भाग मिला। तो देखिए फर्स्ट पार्टनर को, पहला पहला पार्टनर को, पहला साझेदारी को कितना मिला, पहला साझेदारी को कितना मिला 3/8 भाग, ठीक है। और दूसरे वाले को बोल रहा है शेष पार्ट का, दूसरे साझेदारी को कितना मिला, साझेदार को इसके शेष धन का 3/8 भाग। मान लीजिए कि ये टोटल कितना है 8 है, 8 में से 3 किसे मिला, पहला को मिला, तो शेष कितना हो गया 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया तो 5, ये आपका हो गया शेष धन। अब शेष धन का 3/8 भाग किसको मिला है, दूसरे को मिला है, तो 3/8 कर दीजिए, तो ये हो गया 5 × 3 = 15 और 8 × 8 = 64। अब बोल रहा है कि दो, यदि दोनों भागों का अंतर 3600 रुपया है, तो इसका भाग और इसका भाग का अंतर 3600 रुपया है, तो कुल धन कितना था। सिंपल सी बात है, ये दोनों का डिफरेंसेस निकाल दीजिए आप, तो 3/8 − 15/64, एलसीएम ले लीजिए 64, 8 से दीजिए तो 8 × 8 = 64, 8 × 3 = 24 − 15, 64 + 64 = 15। देखिए अंतर कितना है, अंतर यहाँ लिख दीजिए 36/36, ये 24 से 15 गया तो 9/64 = 36, 4 × 9 = 36 काट दीजिए, इसे गुना कीजिएगा 4×16, 4×24 = 25, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 256 रुपया, डी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बराबर SSC पूछते हैं। चलिए हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है और 5 घंटे का समय लगता है, मतलब आने और जाने में उसे 5 घंटा का समय लगता है। तो बोल रहा है कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है। तो इस तरह का प्रश्न को मैं 2 तरीका से बताऊंगा, एक डिस्क्रिप्टिव और एक ट्रिक की तरह। चलिए डिस्क्रिप्टिव में आपको हम कैसे बता रहे हैं, चलिए देखिए कि आपको पता है कि दूरी निकालना है, दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर S×T होता है, ठीक है। तो आपको दिया हुआ क्या है, टोटल 5 घंटा, और टाइम बराबर क्या होता है S/, सॉरी टाइम बराबर हो गया D/S। तो
आपको डी नहीं दिया है, एस दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, डी नहीं दिया, डी लिख दिए। पहला कितना किलोमीटर प्रति घंटा से? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। दूसरा कितना डिस्टेंस को वापस? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर। आने जाने में टोटल कितना समय लगा? प्लस 5 घंटा। आप ये दोनों का एलसीएम निकालिए, 3 दूनी 6, 3 से इसको भागा दीजिए 2, ये हो गया 2D, प्लस 2 से इसे भागा दीजिएगा 3, तो ये हो गया 3D इक्वल्स टू 5। 2 और 3 को जोड़ेगा तो 5D, और इधर कीजिएगा तो 5 × 6 हो गया। तो देखिए 5 से 5 कर दिया तो डी बराबर कितना आ गया? 6। यानी कि आपकी आंसर कितनी होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बट इसे आसान तरीका से बनाने के लिए एक ट्रिक है, उसे आप ट्रिक को नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, डिस्टेंस आपको निकालना कुछ नहीं, सीधा हम आप फॉर्मूला बता देते हैं। डी बराबर आप याद रखिएगा S1 × S2 / S1 + S2 कुल समय, याद रखिएगा कुल समय, टोटल टाइम इंटू में होगा। तो देखिए आपका स्पीड पहला कितना है? 3। दूसरा स्पीड कितना है? 2। टोटल समय कितना लग रहा है? 5 घंटा। तो डिस्टेंस बराबर सीधा आपके लिए 2 × 3, 2 + 3, 2 + 3, और टोटल समय कितना है? 5 घंटा। तो 6 और ये 5 × 5, 5 से 5 काट दिए, यानी कि आपके आंसर कितने हो गए? 6 किलोमीटर आंसर हो गया। इस तरह का वीडियो को, इस तरह का आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बनाइएगा, नोट कर लीजिए नोट। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि इसकी दो भुजा बराबर है और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है? देखिए आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये त्रिभुज है, वह ये बोला त्रिभुज में दो भुजा बराबर है। मानिए कि ये ABC एक त्रिभुज है, दो भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसे आप मान लीजिए X। तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि ये दोनों से 10 सेंटीमीटर ये अधिक है, तो X प्लस ये 10 हो गया। आपको बता रहा कि परिमाप 100 है, तो परिमाप में क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजा को हम लोग जोड़ देते हैं। तो त्रिभुज के तीनों भुजा को जोड़िएगा तो एक्स एक एक्स प्लस एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? आप इसे जोड़िए, एक्स एक्स एक्स, 3x हो गया प्लस 10 इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 3x इक्वल्स टू 100 माइनस 10 कर दीजिए, 3x 100 में से 10 गया 90, 3 से काट दीजिए 30, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर आंसर आपका हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए नंबर। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 410, 751 तथा 1030 से भाग देने पर समान शेषफल बचे। जब आपको क्वेश्चन में बड़ी सी बड़ी संख्या दिया रहा है तो याद रखिएगा, तुरंत आप उसका एचसीएफ निकालिएगा। चलिए एचसीएफ निकालने का एक नया तरीका है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। चलिए देखिए, इस तरह से आप निकालिएगा तो कभी भी गलत नहीं होगा, कितनों भी एचसीएफ आए, किस तरह से भी एचसीएफ है आप निकाल सकते हैं। देखिए आपका एचसीएफ निकालने के लिए, देखिए आपको क्या दिया है? 410, फिर क्या दिया है? 751, फिर कितना दिया है? 1030 नंबर दिया हुआ, प्रत्येक का भाग देने पर समान शेष बचे। तो आप हमेशा याद रखिएगा, इसका और इसका डिफरेंस निकालिएगा, इसका और इसका जो डिफरेंस आएगा, फिर इसका और इसका डिफरेंस निकालिएगा। तो देखिए आप इसका और इसका डिफरेंस निकालिएगा तो कितना होगा? यहाँ पर 1 हुआ, 5 में से 1 गया, ये 4 हो गई, और 7 में से 4 गया, यानी कि 341 गया। अब इसका और इसका डिफरेंस निकालिएगा। तो देखिए आप 1030 में 751 घटाइए, 751 तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 2, 1 हासिल दिया 12, 12 में 5 गया तो 7, यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 279। अब भी 2 है तो फिर इनका निकालिएगा डिफरेंसेस, तो इनका डिफरेंस निकालिएगा। देखिए 279, 9 में से 1 गया, कितना हो गया? 9 में से 1 गया, नहीं सॉरी, 341 में आपको 279 घटाना है। तो 11 में 9 गया 2, ठीक है, तो यहाँ हो गया 33, 33 में 27 गया, तो यानी क्या हो गया? 7 में से 6, 62। अब देखिए ये जब सिंगल आ जाएगा तो इस पर आप देखिए, यहाँ पर ऑप्शन कोई है नहीं है। देखिए ये जो है 2 से कटेगा, अब इसे 2 भाग में बांट लीजिए,
दो और 31। तो देखिए आपका HCF क्या होगा, आपका HCF हमेशा याद रखिएगा ये, क्योंकि ये सबसे कटेगा, इसलिए समान भागफल समान शेषफल बचे, तो यानी कि आपका आंसर क्या हो गया 31। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कैसे बनाएंगे। 7 साल में कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह 16 गुना हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न बराबर SSC रेलवे और में एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जब भी गुना वाली बात करेगा तो आप इस तरह लिख दीजिए, यानी कि टाइम्स की, यहाँ पर पूरा है 2 गुना, तो यहाँ 2 गुना कर दिए। कितने साल में, यहाँ पर साल लिख दीजिएगा, 7 साल, ये हो गया टाइम्स कितना गुना, और ये हो जाएगा आपका ईयर। उसके बाद बोल रहा है कि कितने वर्षों में, मतलब आपको समय निकालना, कितना वर्षों में 16 गुना हुआ, कितना गुना, 16 गुना, ठीक है। 2 गुना यहाँ 7 वर्षों में, ये 16 गुना कितने वर्षों में होगा, तो हमेशा याद रखिए ये जो जितना दिया हुआ इसी बेस में इसको लाना पड़ेगा। तो ये 16 को कैसे कीजिएगा, 2 के पावर 4 कर दीजिएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जो पावर होगा उसका और इसका साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब ये दोनों का गुना होगा पावर के साथ, यानी कि 4 × 7 यानी कितना साल हो गया, 28 वर्ष, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन में देखिए कितना ऑप्शन आ गया, 28, तो यानी ऑप्शन सी हो गया। चलिए इस तरह क्वेश्चन बराबर SSC पूछते हैं, अच्छे से कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 27 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए सीधा देखिए शेषफल क्या है, 27 है, फिर उसी को उसी से भाग दे दीजिए, यानी कि जो शेषफल रहेगा उसमें उसका भाग चला जाएगा। 27 में सिर्फ आप 8 का भाग दीजिए तो आपको हो गया 8 × 24, तो कितना आ गया आपका शेषफल, आपका शेषफल आ गया, आपका शेषफल 3 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए क्वेश्चन 14 नंबर। एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की जरूरत है, मतलब 40% अगर वो मार्क्स लाता तो वो स्टूडेंट पास हो जाता, लेकिन वो 45 अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो 45 अंक प्राप्त करता है और 45 अंक से फेल भी हो जाता है, तो बोल रहा है कि परीक्षा में कुल कितने अंक के क्वेश्चन थे। तो इस तरह का प्रश्न में आपको कैसे करना है, जो भी आपका अंक दिया रहेगा नंबर का दिया रहेगा 45 अंक और यहाँ पर भी 45 अंक, ये दोनों को आप जोड़ दीजिएगा हमेशा, तो 45 और 45 को जोड़िएगा तो 90, तो कितना परसेंट जो दिया है 40, तो 40% बराबर आपका हो गया 90, तो 1% बराबर इतना कितने अंक है, तो × 100 कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, इसे 2 से काटिएगा ये 45 और कटेगा, 5 से गुना कीजिए, 5 पचे 25, 5 × 20 और 2 22, 225 आंसर आया, तो आपके को कौन सा ऑप्शन हो गया, डी नंबर ऑप्शन। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 यदि 7 के पावर 21 प्लस 7 के पावर 22 प्लस 7 के पावर 23 प्लस 7 के पावर 24 को 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचा है। ये क्वेश्चन भी बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे SSC में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग इसे कैसे बनाते हैं, देखिए आपको भाग देने बोल रहा है, यहाँ पर लिख लीजिए 7 के पावर 21 प्लस 7 के पावर 22 प्लस 7 के पावर 23 प्लस 7 के पावर 24 भागा 25 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। अब देखिए इस पर क्या कॉमन जा रहा है, तो देखिए आपका कॉमन क्या जा रहा है, 7 के पावर 21 21 सब में कॉमन जा सकता है, तो 7 के पावर 21 कॉमन ले लीजिए। जब 7 के पावर 21 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस, यहाँ पर 7 के पावर 22 था, 7 के पावर 21 ले लिए तो सिर्फ क्या बचा, 7 के पावर 1 यानी कि 7, यहाँ पर 7 के पावर 23 है, 7 के पावर 21 ले लिए तो यहाँ पर 7 के पावर क्या हो गया, 2 प्लस, यहाँ पर हो गया 7 के पावर 3 भागा 25। देखिए अब क्या कर लीजिए, 7 के पावर 21 दिया हुआ है इंटू ये हो गया 1 प्लस 7 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 7 का क्यूब कितना हो गया, 343, 343 दे दीजिए बाय 25। अब इसे जोड़िए, देखिए आप इधर से जोड़िए, 3 9 3 12, 12 7 19 और 1 20,
यहाँ पर आप लिख लीजिए 7 के पावर 21 इंटू 3, 9, 3, 12, 12, 7, 19 और 1, 20, 20 के 0, 8 मेरा 2, 6, 4 2, 6, 6, 4, 10, 10 का 0, 8 मेरा 1, 3 और 1, 4, यानी कि हो गया ÷25। देखिए 7 के पावर 21 इंटू 400 आ गया ये, सॉरी। जब भी आपका, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी पावर अगर कोई रहे कोई भी डिजिट के ऊपर, तो उसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए उसे पावर को 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर हम लोग 21 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका शेषफल 1 आएगा, तो 7 के पावर 1 हो जाएगा और ये 400। अगर 25 से भागा दीजिएगा, 5 5 25, तो यहाँ क्या हो गया 5 8 40, ये हो गया आपका 16, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि आपका शेषफल कितना हो गया 0। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन। नंबर क्वेश्चन पर चलिए, हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया है बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 10%, 20% और 30% के लगातार छूट कितना होगा। इस तरह का प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं, आगे हम फॉर्मूला बताते हैं। जब भी अगर आपको दो दिया रहा है, दो ठो दिया रहा है, तो उसको ऐसे लिखिएगा ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। आपको यहाँ पर 3 दिया हुआ, इसका जो सोल्यूशन करके आएगा फिर इसमें 30 का काम करेंगे। चलिए हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बाय 100। 10 और 20 को जोड़ेगा तो 30 माइनस 0000 यानी 2, यानी कि हो गया ये 28। ये दो घर के लिए, 2% के लिए। अब तीसरा जो है 30% है, तो आप फिर लिखिएगा 28 प्लस 30 माइनस 28 इंटू 30 बाय 100। 0 से 0 काट दीजिए, इसको जोड़िएगा तो 58 माइनस, इसे गुना किया 8 24 के 4 3 6 2 8, 10 दिया हुआ पॉइंट लगा दिया। देखिए 58 में से 8 गया तो कितना हो गया 50, आप 4.4 जाएगा तो 49.6%, यानी कि आपके आंसर क्या हो गए, बी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इस तरह का प्रश्न मैं अपने वीडियो में बना चुका हूँ, फिर भी आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए कैसा है। जब भी आपको रूट में दिया रहे और डॉट डॉट इन्फिनाइट दिया रहे, इस तरह का दिया रहे, तो आपको सीधा आंसर कुछ नहीं करना, आपको सीधा देखना क्या डिजिट दिया था। दिया हुआ है आपका 5, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 5। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 8/17 से गुना करने को कहा गया, मतलब आपको गुना करने को कहा 8/17 से, लेकिन भूलवश उसने 7/18 से भाग दे दिया। भागा कितना से दे दिया, 17/8 से भाग दे दिया, तो प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 225 अधिक है, तो वह संख्या क्या थी, दी गई संख्या क्या थी। तो इस तरह का प्रश्न को करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका एक फॉर्मूला है, उसे आप याद कर लिए। कैसे बनाते हैं, जब भी इस तरह का दोनों डिजिट सेम रहे तो ये दोनों को गुना कर दीजिए, 7 लिख दिए थे। अब क्या करना है कि जो बड़ा वाला है उसका स्क्वायर और जो छोटा वाला है उसका स्क्वायर का अंतर, मतलब 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, जितना परिणाम में चेंजेस हुआ अधिक या कम हुआ है उसे इंटू कर दिया 225। तो चलिए अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 18 इंटू 17 136, इसे गुना कीजिए 17 का स्क्वायर का हो गया आपका 289 माइनस 64 इंटू 225 136। देखिए 289 में 64 को माइनस कीजिएगा तो 225, ऊपर में भी 225 है, ये कट गया, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 136 आ गया, 136 मतलब बी नंबर ऑप्शन। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए आपको इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 + 1/4 × 5 + 1/5 × 6। आपको इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए देखिए आपको हमेशा देखना होगा ये दोनों का डिफरेंस क्या है। अगर ये दोनों का डिफरेंस अगर एक आए, सेम आए, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए आप हमेशा अलग कर दीजिए, यहाँ पर 1/1 कर दीजिए, फिर उसके बाद वाला को माइनस कर दीजिए, -1/2, फिर इधर क्या है प्लस है, कर दिए 1/2, फिर क्या कर दिए -1/3, फिर +1/3, -1/4, +1/4, -1/5, +1/5,
माइनस एक बटे छः। अब देखिए माइनस और प्लस में जो कट रहा है उसे काट दीजिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो मिला क्या आपको वन माइनस एक बटे छः, छः में से छः का छः में से एक गया पाँच, यानी कि पाँच बटा छः आंसर हुआ। तो आपका आंसर डी हुआ आंसर। चलिए हम लोग आर भी एक तरीका से बनाते हैं इसे, और कैसे बना सकते हैं, इसका तो आंसर हो गया आपको डी। तो याद रखिए कैसे भी क्वेश्चन रहे आपका डिफरेंस अगर सेम आए, एक आए दो आए तीन आए सेम, अगर यहाँ पर डिफरेंस सेम हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंस सेम हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंस सेम हो रहा है, तो आपको फॉर्मूला एक है तो लिखिएगा एक बटे दोनों का अंतर, ब्रैकेट खोलिए, एक बटा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस एक बटा लास्ट टर्म, दोनों का अंतर कितना है देखिए, तीन में से दो गया एक, दो में से एक गया एक, चार में से तीन गया एक, पांच में से चार गया एक, छह में से पांच गया एक, तो अंतर हो गया दोनों का अंतर एक, एक लिख दिया एक बटा एक। पहला देखिए क्या है, पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म एक बटा एक, यहाँ पर माइनस किए एक बटा एक, माइनस से माइनस कर दिए। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म आपका क्या है एक बटे छः। चलिए हम लोग बीस नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एक सरल करो क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी सरल करो आएगा तो इस ब्रैकेट को ये तीन का तीन और एक चार, चार बटे तीन, ठीक है, भागा कर रूल्स क्या आता है, जो नीचे वाला आता है ऊपर पलट जाता है। तो देखिए हम लोग एक क्वेश्चन करें, वन प्लस टू डिवाइड बाय ब्रैकेट वन प्लस टू भागा तीन का तीन और एक चार, चार बटे तीन यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट, वन प्लस टू भागा वन प्लस टू, अब देखिए भाग को इंटू में कीजिएगा तो तीन ऊपर चला गया चार नीचे, इसे कीजिए वन प्लस टू डिवाइड पर वन प्लस तीन उन्नी छः बटे चार, इसको काट सकते हैं दो तीन छः तीन उन्नी चार, वन प्लस टू भागा, अब देखिए दो एक दो तीन पाँच, पाँच बटे दो, ये ब्रैकेट देखिए भागा है ये ऊपर चला जाए पाँच नीचे आ जाएगा, वन प्लस टू इंटू टू बाई देखिए टू ऊपर चला गया फाइव नीचे, देखिए आपका हो गया वन प्लस दो दिन चार, चार बटे पाँच, यानी कि हो गया एक पूर्णांक चार बटे पाँच, तो एक पूर्णांक चार बटे पाँच किस में है, एक पूर्णांक चार बटे पाँच सी नंबर ऑप्शन है आपका। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और भी मैं नए वीडियो लाऊँगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।